हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने कच्चे आम को ले लिया है धुल के। उसके बाद फिर ये मैंने कुछ मसाले ले लिए जो आम पन्ना में डालेंगे हम। लाल मिर्ची पाउडर मैंने ले लिया है, ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है, और थोड़ा भुना जीरा पाउडर ले लिया मैंने, और ये काला नमक लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सादा नमक भी डालेंगे। ये मैंने सबसे पहले हम कुकर लेंगे, कुकर में आमों को डाल के पानी डाल के कुकर में पानी डाल देंगे, और गैस पे रख के इसको दो तीन सीटी लगा लेंगे। दो सीटी में बॉयल हो जाएगा आम। देखिए मैंने रख दिया गैस पे, एक सीटी लग गई है, अब दूसरी भी लगा लेंगे। देखिए हमारी दूसरी सीटी भी लग गई। अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर निकलने तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद ये खोल के चेक करेंगे। देखिए हम आम हमारा बॉयल हो चुका है अच्छे से। इसके छिलके को अलग निकाल देंगे। अभी थोड़ा गर्म है आम, थोड़ा ठंडा करके इसको निकालेंगे। उसके बाद सारे छिलके निकाल लेंगे और मैसर की सहायता से इसको मैश कर देंगे और गुठलियाँ निकाल के फेंक देंगे। गुठलियाँ निकाल के रख देंगे अलग। गुठलियाँ निकालने के बाद सारे गूदे को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम एक छन्नी लेंगे और एक बड़े बाउल में छन्नी रख के छान लेंगे पल्प को। चम्मच की सहायता से ऐसे ही दबाते हैं सब सारे पल्प निकाल लेंगे आम के। देखिए मैंने सारे पल्प निकाल लिए हैं। देखिए मैंने पल्प निकाल लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और भुना जीरा डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब ये गाढ़ा है, इसमें ज़्यादा पानी डाल के हम इसको बनाएंगे। इसमें आप और भी पानी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने पुदीना ले लिया है और ये हरी मिर्च। इस पुदीने और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। देखिए मैंने हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट बना लिया है। और अब हम सर्व करने के लिए गिलास लेंगे। उस एक में हम मीठा आम पन्ना बनाएंगे, एक में तीखा। तो मीठे वाले में हम शुगर पाउडर डाल देंगे एक चम्मच, और तीखे वाले में पुदीने की चटनी डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे दोनों गिलास में। उसके बाद आम पन्ना सर्व करेंगे। आम पन्ना हमें लूज